आनंदपाल के परिजन, उनकी पत्नी, बेटी सब रतनगढ़ चूरू के रतनगढ़ में यहाँ पर पहुंचे हैं, थाने में पहुंचे हैं केस दर्ज कराने के लिए, हत्या के केस दर्ज कराने के लिए परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं। आनंदपाल की पत्नी बेटी योगिता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आनंदपाल के हत्या के केस को दर्ज करवाने के लिए वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बता दें इस समय वो लोग थाने में मौजूद है, कार्रवाई चल रही है, रिपोर्ट लिखवाई जा रही है। आनंदपाल के परिजन थाने पहुंच चुके हैं और आनंदपाल के मामले को लेकर यहां पर रिपोर्ट लिखवाई जा रही है। आनंदपाल की पत्नी बेटी योगिता यहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वो लोग थाने पहुंच चुके हैं और रिपोर्ट यहां पर लिखवाई जा रही है और आगे केस यहां पर दर्ज करवाया जाएगा। कार्रवाई जारी है इस समय चूरू के रतनगढ़ में। आनंदपाल के परिजन पहुंच चुके हैं, आनंदपाल की बेटी योगिता पत्नी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हत्या का मामला यहाँ पर, इसको लेकर यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई जा रही है और आगे यहाँ पर केस दर्ज किया जाएगा। आपको अपडेट दे दें, आनंदपाल की हत्या का मामला यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं, इससे जुड़ी रिपोर्ट यहाँ पर लिखवाई जा रही है और आनंदपाल की पत्नी, बेटी और बाकी परिजन यहाँ पर थाने में पहुंच चुके हैं। मैंने 154(1) के तहत आपको एप्लीकेशन दी जिसमें आपको FIR ही करनी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, अन्यथा कोई हो तो मुझे बता दीजिए कि सर ये ऑप्शन है। कानून में परिवार बताइए आप कैसे करेंगे, आप FIR कर रहे हैं हमारी का नहीं, ये पूछ रहा हूँ। हम इंतजार कर रहे हैं, आप यस और नो कह दीजिए ताकि हम अगला ऑप्शन देखें, क्योंकि इसमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है यदि आप FIR दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीड़िता बैठी है, इनके साथ जो घटना घटी पूरा राजस्थान एक देश उद्वेलित है। ऐसी अवस्था में आप और FIR दर्ज नहीं करना, इससे ज्यादा बुरी बात हो नहीं सकती। आप FIR दर्ज करें अथवा नहीं करें, दोनों में से कुछ तो बताएं हमको ताकि हम हमारे जाए। अभी हम इसकी जांच करेंगे। आप जांच करेंगे, जांच कौन से प्रावधान करेंगे साहब कानून में? अगर कोई भी रद्द जो कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कानून तो मना है। आप 197 देखिए, आपके पास आईपीएस पड़ी होगी, जो अपराध घटा 167 उसमें 197 का कानून प्रावधान ही नहीं है। जब कभी भी कोई राजकार्य में करते हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ होती है तो उसके अंदर पहले जांच ही होती है। श्रीमान जांच कर ही नहीं सकते, जांच का काम मजिस्ट्रेट करता है, पुलिस नहीं करती है। आप एक बार, आपके पास पुस्तक हो गलती से तो आप उसको देख लें एक बार, अभी देख लें। आप हमको तो हाँ ना कह दें, FIR करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी पहले हम जांच करवाएंगे, जो तथ्य पाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। आप जांच करेंगे, FIR दर्ज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पहले जांच करवाएंगे, तथ्य पाएंगे तो FIR भी दर्ज करेंगे। अभी आप FIR नहीं करेंगे? ठीक है।